दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईफोन बनाने वाली कंपनी और तेलंगाना के बीच किस तरह डील हुई है और आगे चलकर इससे क्या क्या फायदे नजर आएंगे। काफी लंबे समय से देखा जाए तो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में जमकर निवेश करने का प्लान बना रही है और कई बड़ी कंपनियों ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बहुत बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने इसी तर्ज पर भारत में निवेश करने का प्लान बनाया, जहां एप्पल आईफोन का उत्पादन करने वाली ये कंपनी भारत में दो फैक्ट्री के लिए कुल $500 मिलियन यानी कि भारतीय करेंसी में 4100 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्लान बना रही है, जिसका निर्माण तेलंगाना में किया जाएगा। इन दो फैक्ट्रियों की जो स्थापना होगी उसमें से एक को आईफोन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल तेलंगाना में कुछ बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। देखा जाए तो कर्नाटक में नया प्लांट राजधानी बेंगलुरु के हवाई अड्डे के पास 300 एकड़ में बनाया जाएगा। यह फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड राज्य में $967.91 बिलियन का निवेश करेगी। साथ ही साथ तेलंगाना में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाएगी। भारत में इसके निवेश करने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि चीन में कई तरह के सख्त नियम लागू हो रहे हैं, जिस वजह से एप्पल अपने आईफोन को तैयार करने के लिए लगातार भारत पर अपना फोकस बना रहा है। फॉक्सकॉन के निवेश से रोजगार के साथ साथ निवेश भी बढ़ेगा। तेलंगाना से पहले तमिलनाडु में भी इस कंपनी ने प्लांट लगाने का ऐलान किया, जिससे हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष नौकरी के अवसर उत्पन्न होंगे। कंपनी का मानना है कि वो इस प्लांट से दुनिया को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की डिलीवरी करना चाहता है। फॉक्सकॉन का मुख्यालय ताइवान के न्यू ताइपे शहर में है और ये आईफोन का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है। हालांकि इसके अधिकतर प्लांट चीन में है। वहीं अमेरिका की एप्पल COVID-19 के बाद मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अपनी निर्भरता चीन पर कम करने की कोशिश कर रही है। इस तरह भारत उसकी पहली पसंद बन गया है। इस बात से आज कोई इनकार नहीं कर सकता, कोरोना काल के बाद भारत में विदेशी निवेश का बाजार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चीन पर अब निर्भरता कम करने के लिए कई कंपनियां भारत पर भरोसा जता रही है। ऐसे में देश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की राह में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार भी इन बड़ी कंपनियों को इंसेंटिव देकर अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छाजी.com।